पहले सर्कल पे, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में ग्रेफाइट खत्म कर दिया था, तो आखिरी हमारा आइसोटोप ऑफ कार्बन का टॉपिक है बकमिंस्टर फुलरेन। तो देखते हैं बकमिंस्टर फुलरेन क्या होता है। बकमिंस्टर फुलरेन इज अ आइसोटोप ऑफ कार्बन कंटेनिंग क्लस्टर्स ऑफ 60 कार्बन एटम जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म अ स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स। कह रहा है बकमिंस्टर फुलरेन है वो एक आइसोटोप है कार्बन का, कार्बन का अपर रूप है जो क्या करता है 60 कार्बन एटम होते हैं, ये मेन फॉर्मूला है इसका 60 कार्बन एटम, यानी 60 कार्बन एटम्स को मिला के बना होता है बकमिंस्टर फुलरेन। ये आपस में जुड़े होते हैं तो फॉर्म स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स, स्फेरिकल शेप में होते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इट्स फॉर्मूला इज C60। C60 जो होता है वो बकमिंस्टर फुलरेन का फॉर्मूला होता है। इसका शेप कैसा होता है, इट इज अ फुटबॉल शेप। इसका जो शेप होता है, समझो आप सेम फुटबॉल है, फुटबॉल जो है उसे भी आप बोल सकते हो बकमिंस्टर फुलरेन, ठीक है। तो इट इज अ फुटबॉल शेप, स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स विच 60 कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन अ इंटरलॉकिंग हेक्सागोनल पेंटागोनल हेक्सागोनल पेंटागोनल रिंग्स ऑफ द कार्बन एटम्स। तो कह रहा है कि फुटबॉल शेप क्या होता है, स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, 60 कार्बन एटम जो होते हैं वो अरेंज होते हैं इंटरलॉकिंग, यानी इंटरलॉकिंग का मतलब एक दूसरे से मिले होते हैं हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग्स की तरफ कार्बन एटम्स, ठीक है। तो ये 60 कार्बन एटम्स होते हैं, बस इतना आपको याद रखना है 60 कार्बन एटम होता है और इसका शेप होता है फुटबॉल जैसा। ये दो पॉइंट आपको इसमें याद रखने हैं बकमिंस्टर फुलरेन में, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड एग्जाम में कभी पूछा नहीं है, बस ये बुक में दिया था तो हमने पढ़ा दिया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद।